क्या आप जानते हैं कैप्टन साइमा दुर्रानी का ताल्लुक लखनऊ और रामपुर से है? जी हाँ, आज की वीडियो में हम उनके ही बारे में बात करने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। कैप्टन साइमा दुर्रानी अमेरिका सेना की सिविल अफेयर्स अधिकारी हैं और वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं। उनके दादा पंजाब रेजिमेंट में थे। कैप्टन दुर्रानी के माता पिता दोनों डॉक्टर हैं जो 1960 के टाइम में अमेरिका चले गए थे। साइमा दुर्रानी मेन काम डिप्लोमेटिक और सिविल मिलिट्री रिलेशंस को प्रमोट करना है। उन्होंने 2024 में भारत और अमेरिका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है। इस एक्सरसाइज में उन्होंने भारत अमेरिका की दोस्ती को मजबूत करने पर जोर दिया। साइमा दुर्रानी ने बताया कि वो अमेरिका कैप्टन होने के साथ साथ यूपी के दो बड़े शहरों से भी ताल्लुक रखती है, लखनऊ और रामपुर। फिलहाल साइमा युद्ध अभ्यास 2024 में भाग लेने के लिए भारत में है। 2004 में अपनी शुरुआत के बाद से युद्ध अभ्यास ने एक अहम बदलाव देखा है। इंडियन आर्मी ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका दोनों की महिला सैनिक युद्ध अभ्यास 2024 अभ्यास के सभी लेवल्स पर जरूरी भूमिका निभा रही है। कैप्टन साइमा दुर्रानी ने बताया कि अमेरिका सेना के साथ पहली बार वो हिंदुस्तान आए हैं। उन्होंने बताया कि उनका परिवार लखनऊ रामपुर से है और उनका परिवार अभी भी वही है। साइमा ने लगभग 16 साल तक अमेरिकी सेना में सेवा की है। भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में चल रहे युद्ध अभ्यास के दौरान कई अभ्यास किए, जिसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच ज्यादा से ज्यादा तालमेल को बढ़ावा देना है। अभ्यास में छोटे ड्रोन को निशाना बनाना, भारी मशीन गन से फायरिंग शामिल था। इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने युद्ध अभ्यास के दौरान आतंकवाद विरोधी अभ्यास किए, जिसमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और ALH ध्रुव वेरिएंट्स जैसे हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।